सिकंदरपुर बलिया उत्तर प्रदेश से संवाददाता प्रदीप बच्चन की रिपोर्ट। गोष्ठी कर पीएम किसान व कृषि संबंधित दी गई जानकारी। विकास खंड मनियर अंतर्गत ग्राम सभा चंदायर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्थल पर किसानों को कृषि एवं पीएम किसान संबंधित दी गई पूर्ण जानकारी। सैकड़ों किसानों ने लाभ उठाया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों में कृषि अधिकारी सर्व यशवंत यादव, सहायक कृषि अधिकारी देवी प्रसाद, कृषि रक्षा अधिकारी दिलीप वर्मा उपस्थित थे। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार द्वारा किया गया, संचालन दिलीप वर्मा द्वारा किया गया। हमारे चैनल को बोलिए, ये किस किस की किन किन चीज़ों की जानकारी आपने दिया है ग्राम सभा चंदायर के किसान भाइयों की? इसमें जो है सर्वप्रथम पीएम किसान निधि, पीएम किसान सम्मान योजना जो है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो हमारे किसान भाई ये जहाँ आउटसोर्स से अपना रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिए थे और उनका अब सूची में नाम आया हुआ है, उन लोगों का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और खतौनी एकत्र करके उनको किसी भवन बलिया DDAG ऑफिस के लॉगिन पे फिट करके आगे हम तहसील सिकंदरपुर उनका जहां संबंधित राजस्व रिकॉर्ड है वहां भेजा जाएगा। वहां से फिर वो जो है तहसीलदार की लॉगिन से फिर जो है आएगा हमारे किसी भवन बलिया में, फिर वहां से अपना आगे जो प्रक्रिया है वो चला करके उनको लाभ पहुँचाने का काम होगा। ये पहली तो ये हो गई बात। दूसरी हमारी जो है खरीफ उत्पादकता गोष्ठी है, फील्ड किसान गोष्ठी फील्ड का कार्यक्रम है, तो इसमें हम जो है किसान भाइयों को जो हमारी खरीफ की फसलें हैं कुछ अभी उनमें लगने वाले कीट कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी, और आने वाला जो हमारा रबी सीजन ये चल रहा है जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है रबी सीजन, और 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 दिसंबर, 4 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल तक चलता है, अप्रैल में कटाई हो जाती है। तो इस बीच में जितने भी सारे जो है प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे खेती बाड़ी के, बीज उठान से लेकर के बीज शोधन, बीज बुआई तक के जितने भी कार्यक्रम हैं सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। जी, मैं इस ब्लॉक के ब्लॉक मनियर के सहायक विकास अधिकारी कृषि हूँ, और इस चंदायर ग्राम में किसान गोष्ठी जो लगी हुई है उस गोष्ठी के माध्यम से सरकार का बहुत प्रेशर चल रहा है कि कोई पराली न जलाए, पराली से पर्यावरण दूषित हो रहा है, मिट्टी का तापमान बढ़ रहा है और लाभदायक कीट मर रहे हैं। इसके संदर्भ में हम लोग किसानों को जानकारी, विस्तृत जानकारी दी, और हमारे बीज गोदाम सरवार पर और जो भी बीज आए हैं सब पर अनुदानित बीज है, और किसान भाई से हमने कहा कि आप कागज़ लेकर जाइए, पंजीकरण लेकर जाइए, आपको अनुदान मिलेगा और हर बीज पर अनुदान मिलेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए चना की जो बीज आया है वो प्रदर्शन वाला बीज है, उस पर 90% अनुदान है, और जो भी किसान आप इच्छुक हैं वो जाकर ले सकते हैं वहाँ से, और यही सारी जानकारियाँ दिया गया। पीएम किसान इसमें महत्वपूर्ण है, जिनका नहीं आया है बाकी बारी बारी लोग चेक करा रहे हैं, सारी जानकारियाँ हैं।